वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हमारे पास टाइम कम बचा है लेकिन हमारे पास डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान आ चुके हैं, सिंगर भी है उमर सलीम हमारे साथ और उसामा सलीम सॉरी, और उसके साथ साथ जनाब हमारे साथ मौजूद होंगी यास्मीन और हम जरा मोबाइल पे बात करने वाले हैं। पहले भी यास्मीन हमारे शो का हिस्सा बन चुकी है और हमें बताती रहती है कि किस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। सिंगर भी होंगे उसामा और यास्मीन भी है, दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो यास्मीन, हमारे ना मोबाइल इसके इस्तेमाल पे हम सब करते हैं, अब हम तलकीन करेंगे तो अजीब भी लगेगा लेकिन हम सब करते हैं, लेकिन एक्सेस इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कि जो मोबाइल यूज होते हैं ना, वो हमारी वर्किंग मेमोरी को बिजी कर देते हैं। ठीक है, हमारी वर्किंग मेमोरी वो होती है जिसमें रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहनना क्या है या छोटी छोटी चीजें। तो क्या होता है कि जितनी दफा वी पिक अप आवर सेल फोन तो आइदर इंस्टाग्राम से फेसबुक से कोई ना कोई न्यूज फीड आई हुई होती है, उससे हमारा जो वर्किंग मेमोरी होती है वो फिल होती जाती है। ठीक है, वर्किंग मेमोरी से ये होता है कि एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, और तीसरी तरफ होती है हमारी वर्किंग मेमोरी। इट्स जस्ट लाइक हमारे डेस्कटॉप के ऊपर अगर इतनी ज्यादा चीजें होंगी तो कोई एक चीज ढूंढना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से हमारी माइंडफुलनेस खत्म हो जाती है। और जब हम कोई चीज़ याद करना चाहते हैं ना, जैसे अक्सर लोग होते हैं वो शॉप तक गए वो कहेंगे मैं लेने क्या आया था। ठीक है, या आपने क्या नाम बताया था, आपका सेल फोन नंबर क्या था, अच्छा गाड़ी का कलर भूल जाएंगे, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर उनको लगता है कि शायद हमारी मेमोरी पे इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, वो मेमोरी वीक नहीं हुई होती है, बेसिकली उनकी वर्किंग मेमोरी बहुत ज़्यादा ना फिल हो चुकी होती है। इसका मैं एक एक्सपेरिमेंट करके अपने स्टूडेंट्स को दिखाती थी कि एक चाय के कप में आपने चाय डाली है, ठीक है, उसके बाद आपने उसके ऊपर पानी डाले वो बाहर गिरने लग गए, आपने बिस्किट डाले वो बाहर गिरने लगे, टैंग डाले वो बाहर गिरने लगे, आप जो भी अंदर डालेंगे वो बाहर गिरने लग जाएगा। स्टूडेंट्स वर लाइक व्हाट आर यू डूइंग, आई वाज लाइक दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी, दिस इज योर ब्रेन। ठीक है, व्हेन यू फिल इट अप विद सो मेनी थिंग्स, जो भी चीज आती है बाहर से टच करके चली जाती है। सो मोबाइल यूज से एक तो ये होता है हमारी वर्किंग मेमोरी इतनी बिजी हो जाती है कि हमें बहुत सारी चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में या लॉन्ग टर्म मेमोरी वो याद ही नहीं रहती है, सो उससे हमारी ऐसे मेमोरी में थोड़े से इफेक्ट होते हैं। सेकेंडली वो ये होता है कि रिसेंटली हम लोगों ने एक वर्कशॉप अटेंड की विच इज़ कॉल्ड डिज़ाइन थिंकिंग। तो सिलिकॉन वैली से आए हुए थे हमारे ट्रेनर, तो उन्होंने कहा कि अपना लिस्टिंग के टेस्ट जो है ना, आपने स्कोर इस तरह से लेना है कि आपने अपने पांच ऐसे लोगों जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हो, आपके अम्मी अबू हस्बैंड वाइफ या फिर बहन भाई या फ्रेंड्स वगैरह कुलीग्स, उनसे ना आपने स्कोरिंग करवानी कि मेरी लिस्टिंग कितनी है, टॉकिंग कितनी है। तुम्हारी कुलीग हैं तो वैसे वो बहुत खामोश रहती हैं, बहुत चुपचाप रहती हैं, और उनका लिस्टिंग में ना स्कोर बहुत कम आया। ठीक है, किसी ने उनके हस्बैंड को 40 दिया, किसी और ने 30 दिया, किसी ने 20 दिया, तो कहती है मैं तो अक्सर चुप रहती हूँ, तो मतलब क्यों मेरी लिस्टिंग वीक है। तो मैंने कहा क्योंकि आप बीच में सेल फोन यूज़ करती हैं, तो कहती हैं क्योंकि मेरे सर पर 100 काम होते हैं, मैंने जॉब भी करनी है, मैंने बच्चों का भी देखना है। बट देन अगैन यू नो जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल फोन यूज़, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने भी ये कहा है कि तुम बीच में कॉल ले लेती हो बात करते, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी कहा है कि तुम अक्सर मैसेज कर रही होती हो, तुम ईमेल कर रही होती हो। तो मोबाइल यूज़ की वजह से आपको जो अपने साइकोलॉजिकल इशूज़ होते हैं वो तो होते ही होते हैं, बट देन अगैन आई थिंक द अदर पर्सन फील्स सॉर्ट ऑफ डिस्टेंट, या उसको लगता है कि आप उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप भी उससे उतना नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं तो वो बंदा अनअटेंडेड फील करता है। यास्मीन, हमारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है। आप जैसे कह रहे हो कि हमारा दिमाग चीजों से भरता चला जाता है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी आ जाते हैं जब हम ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, वो भी कितना इम्पैक्ट डालते हैं। सो एक थ्योरी है कि जितनी दफ़ा हमें एक लाइक मिलती है तस्वीर के ऊपर या एक पोस्ट के ऊपर लाइक मिलती है, उतनी दफ़ा हमारे दिमाग में एक ब्रेन केमिकल रिलीज होता है विच इज़ कॉल्ड डोपामाइन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेजर। ठीक है, तो जितनी दफ़ा वो दबेगी उतनी दफ़ा हमारी डोपामाइन हो जाती है। अब लेकिन हमारा दिमाग जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे इन केमिकल्स की प्रोडक्शन के साथ एडिक्ट होता जाता है। ठीक है, कि अगर रोज़ाना मुझे आदत है, लेट्स सपोज कि जी मेरे अंदर 60 ग्राम जो है ये इतने ग्राम मेरे अंदर डोपामाइन पैदा हो रही है, और अगले दिन नहीं हुई है और वो नहीं मिलेगी, तो मतलब मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी। द सेम वे अगर आप रोज़ाना एक प्लेट खाना खा रहे हो और अगले दिन आपने आधा खाया तो आपका पेट नहीं भरेगा। द सेम वे अगर आपके दिमाग को वो केमिकल नहीं मिल रहा तो अगले दिन आपको डिप्रेशन होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर आपको रोज़ाना लाइक्स मिले और आपने एक पोस्ट लगा दी, एक तस्वीर लगा दी, उस पर लाइक्स नहीं मिले, तो एक बंदा शदीद डिप्रेशन में चला जाता है कि मुझे इस पर क्यों नहीं मिले, इसमें क्या खराबी थी। सो उसकी वजह से अक्सर लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अपसेस्ड हो चुकी हैं इस चीज़ के बारे में, मैं फिल्टर्स डालूँ और मैं ये करूँ। सो या ठीक हो गया। अच्छा यास्मीन, म्यूज़िक कितना असर डालता है? सो म्यूज़िक के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, म्यूज़िक के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। हमारा जो लिसनिंग सेंटर होता है वो, और उसके साथ मेमोरी और उसके साथ इमोशन सेंटर, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सो जो भी चीज़ हम सुनते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी मेमोरी,
के ऊपर होता है और फिर मेमोरीज हमारी फीलिंग्स के ऊपर होते हैं. तो अगर हम सैड सॉन्ग सुनेंगे तो हम थोड़ा सा सैड फील करेंगे, अगर हम अच्छे सॉन्ग सुनेंगे तो हम अच्छा फील करेंगे. एट द सेम टाइम मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए कहते हैं कि लिरिकलेस म्यूजिक सुनना चाहिए जिसमें लिरिक्स ना हो. जो खाली म्यूजिक होते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, अगर आप वो बहुत ज्यादा सुनेंगे उसकी धुनों के ऊपर गौर करेंगे तो आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा जो है इंप्रूव होगी. लवली, तो यास्मीन हमारे पास तो भी हमें गाना ही सुनना पड़ेगा. सिंगल मौजूद है सामा, क्या सुनाने वाले? अच्छा सुनाता हूं बिल्कुल, ताकि हमारे मूड भी अच्छा हो. सामा से मैं आपको मन भरिया सुनाऊंगा. वे मैं थो तेरा मन भरिया, वे मैं थो तेरा मन भरिया, मन भरिया बदल गया सारा. वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लग जाए यारा. वे मैं थो तेरा मन भरिया, गल गलते शक करना एत बार जरा भी नहीं. हुण तेरी अखियां विच मेरे ले प्यार जरा भी नहीं. तैनू मिल जाना किसे दा सहारा. वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरियां तो लग जाए यारा. वे मैं तो तेरा मन भरिया, सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकती तैनू. ताहे तांग लाते रोज ना छाना है मैनू. तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकती तैनू. ताहे तांग लाते रोज ना छाना है मैनू. मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तैनू मिल जाना किसे दा सहारा. वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लग जाए यारा. वे मैं तो तेरा मन भरिया. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. सामा ये बताएं, अभी आजकल आप किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपना गाना कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आफ्टर मुहर्रम मैं इसको लॉन्च करेंगे. तो कब से सिंगल कर रहे हैं? तो तकरीबन मैं 3 साल हो गए हैं. 3 साल प्रॉपरली. यानी तो अभी कोई कवर्स वगैरह भी आपने किए? हाँ जी, कवर्स वगैरह भी. हाँ जी, कवर्स कर रहा हूँ यानी कि, लेकिन अब अपना करने का सोच रहा हूँ. हाँ जी, कुछ अपना नया किया जाए, क्योंकि आवाम आजकल कवर सॉन्ग भी सुन रही है. लेकिन नया करने का ये मकसद है कि लोग ज्यादा उसको लाइक किया जाए. अपनी आइटम कुछ होनी चाहिए, डेफिनेटली आपकी एक आइडेंटिटी बननी चाहिए. बिल्कुल. अच्छा सर, मैं बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं, आप समझते हो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत. जैसे नेस्कैफे बेसमेंट था, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. पेप्सी बैटल ऑफ बैंड ने, यानी कि ये इस तरह के चैनल, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको एक नया म्यूजिक सुनने को मिलता है. एक बहुत सी यूनिकनेस होती है, एक जॉनर्स, मुख्तलिफ जॉनर्स वगैरह जो आपके, वो आपको सुनने को मिलते हैं. ठीक हो गया, परफेक्ट. यास्मीन, हम बात कर रहे थे अभी, जैसे मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारा इस सारे सिनेरियो में फैमिली टाइम, मी टाइम, सब कहीं मिस हो गया. That's true. कि हमारा सारा टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे लग जाता है. अक्सर तो आजकल मजाक से कहा जाता है कि आपकी रियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है. जैसे वो एक जोक था ज़ैद अली का कि वो लड़की ना अपना हेल्थ फूड की तस्वीर लगाती है और उसके बाद अपनी बिरयानी निकाल के खाना शुरू हो जाती है. सो अक्सर लोगों की तो रियल लाइफ और उनकी सोशल लाइफ में बहुत, मतलब सोशल मीडिया लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है. आई हैव नोटिस अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट, कि अगर वो किसी खाने की जगह पे जाएंगे सबसे पहले फोटो ले लो, ठीक है, दे डोंट एंजॉय करते हैं. यूजुअली डू दैट, नो आई डू दैट टू मोस्ट ऑफ द टाइम, कि बस हर चीज़ की तस्वीरें ले लें. एंड मजे की बात है कि उन मेमोरीज को हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि कभी बाद में बैठ के देखें. आई रिमेंबर कि जो हमारी बचपन की तस्वीरें जो हमने बड़ी वेल प्लान ली होती थी, उनको हम बार बार निकाल के देखते हैं, लेकिन हमारे सेलफोन में 10,000 तस्वीरें, 12,000 हमने कभी भी नहीं देखी. याद भी मुझे याद है कि मैं अभी अम्मा अक्सर ऐसे डिनर पर गई, तो मैंने खाने के लिए खाना आवे जल्द से पिक्चर ली, तो मेरे अब्बा कहते हैं ये चलो आखिरी बार खाना खा रहे हैं, अगली बार तुमने इसको देख देख कर ही खुश होना. That's true. अच्छा, ऑल्दो कुछ लोगों को शायद उसका फायदा भी होता है कि वो उससे वो ब्लॉगर में चेंज हो जाते हैं. And they're making a life with that. But then again, I believe कि उसकी वजह से हमारा फैमिली टाइम काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है.
सो उसके लिए एक मैं तो छोटी सी टिप देती होती हूँ अक्सर लोगों को कि आप अगर किसी से भी मिलने लगते हैं तो अपने मोबाइल को ऐसे उल्टा कर दें, सीधा भी ना करें, आपको नजर भी ना आए साइड पे भी ना करें, अपने हाथ में भी ना रखें, आप अपने साइड पे रख दें, ठीक है। सो आई थिंक फिजिकल इंटरेक्शन जो होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेलफोन आप किसी भी टाइम पे चेक कर सकते हैं, लेकिन किसी से अगर आपकी उस टाइम पे मीटिंग है तो वो बाद में नहीं हो सकती है, डेफिनेटली। अच्छा कुछ हमारे ऐसे टाइम होता है जब हमें खुद से भी थोड़ा कहते हैं ना अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना होता है कि अच्छा एनालिसिस हम अपना आपका करेंगे, किस तरह से हम चीजों को लेकर चलते हैं, वो भी हम बिल्कुल मिस कर देते हैं। अगर रात के टाइम भी अगर सोने से पहले हमारे हाथ में अगर फोन होता है, हालांकि वो टाइम होता है जब आप पूरे दिन की चीजें रिकॉल कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि तब भी हमारा फोन में गुजर वो फोन के हाथ में लेके हम सो जाते हैं। एग्जैक्टली, और उसकी वजह से नींद भी इफेक्ट होती है। सो अकॉर्डिंग टू द स्लीप थेरेपिस्ट, अगर आप नींद से आधा घंटा पहले सेल फोन मतलब छोड़ दें साइड पर, ठीक है, तो उससे आपकी नींद जो है वो गहरी हो जाएगी। ए दैट, बी रात के टाइम जब सिग्नल्स आ रहे होते हैं और उस टाइम पे जो आप सो रहे होते हैं और वो मोबाइल जब मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं तो वो रेज अच्छी नहीं होती, स्पेशली वो आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो रिसेंटली हमारी एक मतलब डीन ऑफ कंप्यूटर साइंस है यूनिवर्सिटी साउथ एशिया में, उन्होंने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की ग्रोथ ठीक से हो, ब्रेन ग्रोथ ठीक से हो, तो उनके इर्द गिर्द उनके कमरे में सेलफोन नहीं होना चाहिए, वो रेज आनी ही नहीं चाहिए। और हमारा देखो हमारे बच्चे पूरा दिन टीवी, हम तो बच्चों को सारे टाइम लो भाई ये लो ये देखते रहो, ठीक हो गया। उसामा अभी आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? नजरों से जरूर जरूर। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माँ जमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए लेकिन उस वालों से अल्लाह बचाए, उनकी मासूमियत पर ना जाना, उनकी मासूमियत पर ना जाना, उनकी बातों में हरगिज ना आना, लूट लेते हैं ये मुस्कुराकर, लूट लेते हैं ये मुस्कुराकर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। अब हुस्न वाले कैसे लूटते हैं, झलक रुकी दिखाकर मुस्कुराकर लूट लेते हैं, निगाहों को निगाहों से मिलाकर लूट लेते हैं, झलक रुकी दिखाकर मुस्कुराकर लूट लेते हैं, निगाहों को निगाहों से मिलाकर लूट लेते हैं, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी दिलनवाजी है, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी दिलनवाजी है, हंसा कर लूट लेते हैं, रुला कर लूट लेते हैं, ये लूट लेते हैं ये मुस्कुरा जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच यास्मीन, थैंक यू वेरी मच उसामा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनाब आपसे हम इजाजत लेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।